नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। तो हम लेकर आए हैं आज आपके लिए पतंजलि का केश कांति नेचुरल हेयर शैम्पू, जिसको क्लीनर्स भी बोलते हैं। तो इसके आज हम गुणों के बारे में जानेंगे, इसके क्या गुण हैं और इस शैम्पू को हमें कौन से कंडीशन में यूज़ करना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप पतंजलि का ही प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि इंडिया का पैसा इंडिया में ही आएगा। तो फ्रेंड, आप जैसे कि हेड एंड शोल्डर या क्लिनिक प्लस खरीदते हैं, तो इसका पूरा प्रॉफिट जो जाता है बाहर की कंपनियों को जाता है। तो हम अपना ही प्रोडक्ट स्वदेशी ही खरीदें, जिससे हमें फ़ायदा भी हो और हमारे इंडिया को भी फ़ायदा हो, जिससे अपना पैसा इंडिया में ही रहे। तो फ्रेंड, ये एक तो मैंने बात बताई आपको, चलिए इसके यूज़ के बारे में हम जान लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड, ये एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में आता है, मेडिसिन में नहीं आता है। तो मैंने सोचा इसका एक रिव्यू बनाऊं। तो जिन माताओं बहनों के बाल टूटते हैं या झड़ते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत ही गुणकारी शैम्पू है, क्योंकि भाइयों मैंने खुद यूज़ करके देखा है। तो आप यहाँ पर देखिए, पढ़ भी सकते हैं, बालों का टूटना झड़ना व रूखापन को दूर कर देता है। या आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, आप कंघी करते हैं तो बाल टूट जाते हैं, तो उस कंडीशन में बिल्कुल स्मूथ बाल बना देगा वो। ये कंडीशनर की तरह है फ्रेंड, आपको दूसरा कंडीशन डालने की ज़रूरत ही नहीं। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका केश कांति का, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। और इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई भी इसमें झाग बनाने वाला केमिकल नहीं है, जिसको कहते हैं मोनोसल्फेट, ऐसे कुछ कहते हैं केमिकल को, जो कोलगेट्स वगैरह में हर एक शैम्पू में डाला जाता है। और एक नेचुरल वेस है, नेचुरल वेस आप यहाँ पर देखिए, इसके कंटेंट पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है, इसमें जो डला हुआ है कि अपने बालों को नुकसान होगा। तो बालों का टूटना या झड़ना व रूखापन को दूर, स्वस्थ व घना सुंदर बनाने के उपयोग हेतु, तो आप इसको उपयोग विधि आप विधि पढ़ सकते हैं। 2-3 मिलीमीटर गीले बालों में हल्का मालिश करें, फिर इसको धो दें। आप रोज़ाना भी धो सकते हैं, अगर रूटीन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको हफ्ते में 3 से 4 दिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा शैम्पू है, जिनके बाल टूटते हो बार बार या झड़ते हो, तो उसके लिए बहुत गुणकारी है। कम से कम आप 10-15 मिनट तक इसकी मालिश करें बालों में, फिर इसको धो लें, तो आपके बाल बिल्कुल ही सुंदर स्मूथ बन जाएंगे। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बता देता हूँ आपको, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और साथ में शेयर करना मत भूलेगा। धन्यवाद।